हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पार्टनरशिप पूरा हो गया कम्प्लीट हो गया उसके बाद हमने कंपनी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि कितनी टाइप्स ऑफ कंपनी होती है। अब हम चलेंगे आगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की एग्जैक्टली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है। देखो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था और पार्टनरशिप पढ़ा था, इनके कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं उसमें, ठीक है, और डाउटफुल कॉन्टिन्यूटी भी कॉन्टिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा मेंबर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी सोल प्रोप्राइटरशिप की और ये पार्टनरशिप की, तो उनको ओवरकम करने के लिए जो न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है अब विद टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चल रहा है टाइम के साथ साथ नई अमेंडमेंट्स आ रही, नई मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ठीक है, हर चीज़ में, ठीक है, और ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो एक ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नए नए ट्रेंड्स को जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, अलग अलग ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, कॉन्ट्रीब्यूशन में, अलग अलग ट्रेंड्स चल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो उन सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो ये एक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल विद द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ना उनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इसके अंदर अपने आप को मेंबर बना सकते हैं इस कंपनी का। फिर उसके बाद इसमें जो इसमें बस अब कंपनी के अंदर कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टार्ट करने के लिए ये कंपनी रजिस्टर्ड होनी बहुत ज़रूरी है, अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है। फिर उसमें ये भी है कि अब इसको मैनेजमेंट और कंट्रोल कौन करेगा, इसको मैनेज करना कंट्रोल करना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके थ्रू ये मैनेज और कंट्रोल की जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको इन्वेस्टर भी कहा जाता है, इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स को एक्चुअली में इस कंपनी के अंदर क्या कहा जाता है जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अब शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक तरह से कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब कंपनी के मेंबर बन जाते हैं तो उनकी शेयर्स हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्वाइंटली हेल्ड इन द शेयर होल्ड, शेयर के अंदर ज्वाइंटली हेल्ड होती है कंपनी के अंदर, इसीलिए ज्वाइंट होने के कारण इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आ जाते हैं फीचर्स, फीचर्स क्या है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के, फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, वॉलंटरी, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कि इसमें कोई भी पर्सन है अपनी इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, कोई भी पर्सन अगर चाहता है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो वो इसमें अपनी इच्छा के अनुसार इसमें एंटर कर सकता है, इस कंपनी का मेंबर बन सकता है। एसोसिएशन मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन, जितने भी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो वो मेंबर बन सकते हैं। अब इसमें आ जाता है शेयर्स, जो ये पर्सन्स होते हैं वो कितने भी, उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं होती, कितने भी शेयर्स हैं, कितने भी शेयर्स लेना चाहे तो वो फ्री, दे आर फ्री टू, जितने भी शेयर्स वो लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं,
तो वो शेयर्स रिगार्डिंग फ्री होते हैं, कितने भी शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय एंड कंट्रोल किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो ये कंपनी होती है इसमें जो मैनेजमेंट होता है पूरा, ठीक है, वो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, कहाँ से चुने जाते हैं? जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, वो मेंबर्स क्या होते हैं, उसको खुद इलेक्ट करते हैं, उसको खुद चुनते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं फ्री टू विथड्रॉल, फ्री टू विथड्रॉल मेंबरशिप। जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर आप इन्वेस्टर्स कह लो, ठीक है, वो कभी भी अपना, अगर वो अपने शेयर्स निकालना चाहते हैं, वो वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं, उस कंपनी से विड्रॉ करना चाहते हैं, जॉइंट स्टॉक से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर कर देंगे किसी और पर्सन के नाम, किसी और इन्वेस्टर के नाम, ठीक है, और वहां से विड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब इसमें जो ये क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज्यादा कैपिटल है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली ये जो ऑपरेशन होता है ये लार्ज स्केल पे होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होती है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा अमाउंट होने के कारण जो प्रोडक्शन होती है वो भी हायर लेवल पे होती है, उसके ऊपर रिसर्च भी हायर लेवल पे होती है, और उसमें जितने भी जो प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टर्स होने के कारण ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो बढ़ जाता है, तो इसमें प्रोडक्शन भी वो क्या होती है, लार्ज स्केल पर होती है, ठीक है। लास्ट है रिस्क ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का रिस्क होता है, ठीक है। अब इसमें शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो अब अगर मान लो कोई भी लॉस हो रहा है या कोई भी डैमेज हो रहा है, तो इतने सारे शेयर होल्डर्स होने के कारण तो सबको जो उसकी जो भरपाई करनी होती है, रिस्क कोई भी लॉस हो गया, डैमेज हो गया, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इतना डिवाइड हो जाता है कि वो कम अमाउंट रह जाती है उसका लॉस पूरा करने के लिए, लायबिलिटी पूरी भरने के लिए, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके मेंबर बनते हैं, ठीक है, वो अनकरेज होते हैं कि शेयर लेना है, और इसमें इतनी फ्रीडम होती है, इतनी लिबर्टी होती है कि जब मन करे तब यहाँ से विड्रॉल कर लो, ठीक है, तो जब तक ठीक लगता है तब तक सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो गया किसी ने, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो बहुत सारे मेंबर्स होने के कारण, वो ज़्यादा अमाउंट है तो वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सब कैपिटल सब में डिवाइड हो जाएगी, जिसके कारण जो भरपाई होती है यानी पूरा करना है, लायबिलिटी से डिस्चार्ज होना है, तो वो कोई ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके फीचर्स, फीचर्स के बाद आ जाते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये फीचर्स थे कुछ जॉइंट स्टॉक कंपनी के, उसके बाद आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या फायदे हैं इसके, ठीक
है, एक तो सबसे पहला फायदा तो हम इसमें मोस्टली ऑलमोस्ट सारे ही जो इसके एडवांटेजेस हैं, जो पॉजिटिव या प्लस पॉइंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स में कवर हो चुके हैं। फिर भी हम उसको रिवाइज करते हैं। एक तो ईजी टू शेयर, ईजी टू ट्रांसफर शेयर्स, एक तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी मेंबर ने अपनी कंपनी से, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से विड्रॉ करना है, तो उसमें जो शेयर्स हैं वो इजी ट्रांसफर हो जाते हैं, बड़े इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक तरह से इसका प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है इसका। ठीक है, और क्या होते हैं मेंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर हम उसको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं कि वो जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जितने भी शेयर्स लेना चाहते हैं, वो शेयर्स को ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि आपको इसके फीचर में भी बताया था। ठीक है, जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है इसके अंदर। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इन सब में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इतने सारे मेंबर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसमें तो इतना तक करना पड़ता था कि अगर जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसको सेल करके भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो रहा, कोई लीगली जो जो भी किसी ने, मान लो कोई हम लोन लिया हुआ है कहीं से, ठीक है, वो पूरा नहीं कर पा रहा जो कंपनी का जो एसेट्स बेचकर, तो उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लायबिलिटी पे करनी पड़े, तो वो लायबिलिटी पे करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये ओवरकम कर दिए उसके जितने भी जो लिमिटेशंस थी सोल के और पार्टनरशिप के, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इतने सारे मेंबर्स होने के बाद जो लायबिलिटी है वो वैसे ही बहुत कम रह जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनली, पर्सनल जो हमारे प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल एसेट्स है, उनको बेच के लायबिलिटी, ऐसा नहीं है। लायबिलिटी इसमें बहुत ही लिमिटेड है। आपको लायबिलिटी, बार बार लायबिलिटी इसमें ये पॉइंट आ रहा है, लायबिलिटी का मतलब यही है, एक स्टेट है जिसमें क्या होता है, लीगली किसी चीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, ये बार बार आपको लायबिलिटी का आ रहा है पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट या फिर हम कैपिटल भी कह सकते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स होने के बाद ऑब्वियसली जो कैपिटल है, जो पैसा है, अमाउंट है, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे, जो कि आपको फीचर्स में भी बताया था, लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल बेसिस पे ये है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट होगी, तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो इसका मतलब उसमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है। रिसर्च वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, रिसर्च वर्क पे, डेवलपमेंट पे, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैपिटल, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड होते हैं, शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इम्प्रूव्ड क्वालिटी का बनेगा, उस पर रिसर्च ज़्यादा होगी और न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी हो गई ये इसके हो गए एडवांटेजेस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो फंड्स हैं वो भी इजी टू रेज,
अब इसमें क्या है, जितने भी अगर आपको फंड्स बढ़ाने हैं फाइनेंशियल रिसोर्स में, ज़्यादा वो शेयर्स होने चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए, किसकी अमाउंट की, कैपिटल की, तो क्या होता है फंड्स को रेज करना बहुत इजी है। क्या करना है, कुछ नहीं, शेयर होल्डर्स बढ़ा दो, शेयर्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतने ज़्यादा फंड्स बढ़ते जाएंगे, तो इसको फंड्स को रेज करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेज। इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये कॉस्टली है, ओब्वियसली इतने शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टमेंट लार्ज हो रही है, ठीक है, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनोवेटिव है, तो ये थोड़ा क्या है, हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। सारे शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये टाइम कंज्यूमिंग ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेलिटीज, अब इतने सारे मेंबर्स होने के बाद जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी इच्छा के अनुसार इसमें एंटर कर सकता है और मेंबर बन सकता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अब ये मेंबर बन जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी फॉर्मेलिटीज, जितने भी मेंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरा करने में क्या होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सीक्रेसी की बात करें, इतने सारे, एक तो सारे जो भी पर्सन्स हैं शेयर्स डाल रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, अपना शेयर डाल रहे हैं, और वो सारे अननोन पर्सन हैं, किसी को नहीं पता कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, ठीक है, बस उन्होंने शेयर्स डाले हैं, उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद वो क्या बन गए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर बन गए, या फिर जिनको हम कह सकते हैं शेयर होल्डर बन गए। अब वो शेयर होल्डर बन गए तो उनका मन है वो कभी भी विड्रॉल कर सकते, तो इसलिए इसमें इतने सारे जो पर्सन्स हैं, इतने सारे शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इतने सारे मेंबर्स हैं, तो सीक्रेसी कहाँ मेंटेन रहेगी, तो इसमें सीक्रेसी का भी है कि सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी कांट बी मेंटेन्ड, वो सीक्रेसी है बिजनेस एक्टिविटी को वो मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं एंड मैनेजर्स, वो क्या होते हैं, सैलरी, जो डायरेक्टर और मैनेजर होते हैं उनको सैलरी पे रखा जाता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, उतना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते जितना करना चाहिए, ठीक है, कई बार वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते कंपनी की एक्टिविटी में, तो ये भी एक तरह से इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो उसके मेंबर नहीं होते, जैसे कि हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा था कि वो खुद के, क्योंकि शेयर होल्डर्स हैं इसमें, ऐसा नहीं है सब शेयर होल्डर्स हैं, किसी को इसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड है, तो कई बार वो चीज़ उसको सीरियसली नहीं लेते, तो कुछ एक्टिविटीज़ में ये डायरेक्टर्स और जो मैनेजर्स हैं ये सैलरी पे हैं, तो ये कई बार अपना उसमें एक्टिविटीज़ में पूरा पार्टिसिपेशन नहीं करते, एक्टिविटीज़ में पूरा इंटरेस्ट शो नहीं करते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिले इन डिसीजन, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीलिंग डिसीजंस। देखो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, कंट्री के किस एरिया से वो होते हैं, ठीक है, मान लो कंपनी में कोई
एकदम से कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है जिसके कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई मीटिंग बुलाना चाहता है, सारे शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है उस टाइम पर एक ही दम से सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे हो सकें। ठीक है, चाहे वो हम आज की टेक्निक के थ्रू ही कह सकते हैं, ऑनलाइन आ सके या कुछ भी हो सके, उस टाइम नहीं हो पाता, जिसके कारण कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग द कंपनी वो लेने में डिले भी हो सकता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या है, अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जगह स्कैटर्ड हुए पड़े हैं कंट्री के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ मीटिंग को इस तरह की मीटिंग कंडक्ट करनी है एमरजेंसी बेसिस पे, तो वो उससे क्या होता है, जो डिसीजन है वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है और मे बी डिसीजन डिले भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मिस यूज ऑफ पावर। नेक्स्ट आ गया, अब इसमें जो हायर अथॉरिटीज हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कई बार वो क्या करती हैं, अब शेयर्स हैं अलग अलग हैं, कोई सबको पूरी वो चीज़ नहीं पता होती। ठीक है, अभी उसमें कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि डिसीजन कंट्रोल और मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ से बने हैं, जो मेम्बर्स हैं उन्होंने ही इलेक्ट किया है, उन्होंने ही सेलेक्ट किया है उसको। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं वो अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए अपनी पावर्स का मिसयूज भी करते हैं। ठीक है, कई बार शेयर होल्डर्स में कुछ ना कुछ इस तरह से कर देते हैं कि शेयर होल्डर्स को भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो वो अपनी जो पावर्स हैं उनकी, जो उनको अथॉरिटीज़ को, हायर अथॉरिटीज़ को जो पावर्स मिली है, उनका कई बार मिसयूज भी करते हैं। तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। एक तो ये थोड़ी कॉस्टली प्रोसेस होती है, इसमें कॉस्टली इसलिए होता है, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो सबकी जो फॉर्मेलिटीज, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि सबकी फॉर्मेलिटीज़ करने में, सारी चीज़ें करने में, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, रजिस्ट्रेशन करने के अंदर, इस सब में ये पैसा, कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें इतने नंबर ऑफ मेम्बर्स होते हैं, उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ये टाइम लेती है। ठीक है, उसके बाद आती है सीक्रेसी। सीक्रेसी इसमें मेंटेन नहीं रहती, अगर हम सोचें कि इसमें जो सीक्रेसी है, क्योंकि अलग अलग जगह से, अलग अलग एरिया से, कंट्री के पता नहीं किस पार्ट से, कौन कौन सा पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर बन रहा है, तो सीक्रेसी इसमें काम की मेंटेन नहीं रहती। अगर चाहें तो डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं उनको सैलरी पे रखा जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कई बार वो इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ में, जितना इंटरेस्ट शो करना चाहिए उतना इंटरेस्ट वो शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है कि शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और इसमें लायबिलिटी भी लिमिटेड है, तो वो उस तरह की चीज़ नहीं करते जितना कि जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिलीज और प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है और उसमें लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डिले इन डिसीजन। जो डिसीजन अब अलग अलग एरिया से वो बिलोंग करते हैं, अगर मान लो कोई भी एक एमरजेंसी बेस पे एक मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो एकदम से वो नहीं कंडक्ट कर पाते, जिसके कारण कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो डिले हो जाता है, वो लेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो है मिस यूज ऑफ पावर्स। कई बार क्या होता है, जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो पावर्स होती हैं, जो उनके पास अथॉरिटी के पास जो पार्स का मिस यूज़ करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं शेयर्स को, शेयर्स के बीच में कुछ शेयर्स को स्टेक पे रख देते हैं। ठीक है, तो उसमें वो पार्स को मिस यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए इसके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट आ जाती है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारा पूरा हो गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और जो लास्ट है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी, क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, और उसके बाद उसके फीचर्स पढ़े इस, और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसमें यही कवर होता है, बस फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया।